रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट हमने कर लिया. सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन अ रेजोनेंस कंडीशन व्हेन करंट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू. कितनी वैल्यू? ई डिवाइडेड बाय जेड होती है. पर रेजोनेंस के ऊपर करंट मैक्सिमम के लिए एक्स एल किसके इक्वल है? एक्स सी. ओमेगा की वैल्यू आ गई. ओमेगा क्या होता है? 2π × फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. एक क्वेश्चन आएगा आपको, इंपॉर्टेंट है, कि सीरीज एलसीआर में करंट एंड ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करो. तो आप ऐसे ग्राफ प्लॉट करके आना, बस एक, इतने नहीं, एक, सच दैट ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. जब करंट क्या हो जाएगा यहां पर? मैक्सिमम. ठीक, ये ग्राफ बनेगा. ठीक है, मैं नहीं समझा. ओमेगा टाइम के साथ बढ़ रहा है. नहीं, आई को तो देख रहे हैं, आई को तो देख रहे हैं क्या होगा. नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, ईएमएफ को बढ़ाते हैं, ईएमएफ में ओमेगा को इंक्रीज करते हैं. तो ई चेंज होता है तो आई को स्टडी करते हैं क्या हुआ. तो अब एक चीज देखो, अगर एलसीआर सर्किट में आर हाई होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, बनेगा तो ऐसे ही कर्व, पीक वैल्यू पीक, तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट है. तो अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो करंट मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा. तो उस सर्किट का अगर आर ज्यादा हुआ तो पीक ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मॉडरेट हुआ थोड़ा ऊपर जाएगा, और अगर बिल्कुल ही कम हुआ तो पीक बहुत ऊपर जाएगा. ठीक, ये बताया. अब इसके अंदर इस रिजल्ट्स, इससे कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं. पहला, रेजोनेंस के ऊपर इंपीडेंस प्योरली क्या हो जाती है? रेजिस्टिव. जेड आर के इक्वल हो जाता है. करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम. पावर डिसिपेटेड क्या हो जाता है? मैक्सिमम, क्योंकि आई स्क्वायर आर मैक्सिमम. करंट इज इन फेज विद वोल्टेज. क्यों? क्योंकि कॉस फाई क्या था? आर बाई जेड. जेड क्या है? आर. तो वन, फाई क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सिर्फ आर का रोल होगा और कोई नहीं होगा. ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट. बॉक्स में डालो, एक्सेप्टर सर्किट. क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हेन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड इनटू इट, कि एलसीआर सर्किट में मान लो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आ रहे हैं, 100 टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं डिफरेंट ओमेगा के, उसी टाइम पे कॉन्टिन्यूसली आते जा रहे हैं, एलसीआर में पास होते जा रहे हैं. इट एक्सेप्ट्स ओनली सर्किट विद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट्स अदर फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं. सपोज आपके पास एक रेडियो है, गाना सुनना है आपको 92.7 का ही. अब आप ट्यून करते हो 92.7, कर लिया आपने. रेडियो के अंदर लगा होता है एलसीआर सीरीज में सर्किट लगा होता है. आपने उस सर्किट को समझा दिया कि मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहता हूं 92.7, फ्रीक्वेंसी होती है ना ये. तो रेडियो को पता लग गया कि रेजोनेंस 92.7 है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई. अब उस रेडियो को 93.4 भी पता लग रहा है, 95 भी, 103 भी, बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं रेडियो के, लेकिन 92.7 पे जब वो पास करता है तो करंट पीक वैल्यू अचीव कर लेता है, क्योंकि रेजोनेंस हो चुकी है उसकी उस पे. तो वो उस सिग्नल को तो एक्सेप्ट कर लेता है, बाकियों को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करता जा रहा है. इसलिए बोलते हैं उसको ट्यूनिंग ऑफ रेडियो. ट्यूनिंग ऑफ रेडियो का मतलब उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हो. इसलिए एलसीआर को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा सिर्फ खास फ्रीक्वेंसी को जो आप चाहोगे, बाकियों को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करता जाएगा. तो जब 92.7 ट्यून कर दिया और वो सिग्नल जब जाएगा उसमें, तो करंट पीक, सबसे ज्यादा करंट उसी का आएगा. तो रेडियो को पता लग जाएगा कि सुनने वाला इस सिग्नल को ही सुनना चाहता है. ठीक, तो बाकी को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करता जाएगा.
एक्सेप्ट नहीं करेगा, सुनाएगा नहीं, लाउड स्पीकर से पास नहीं होने देगा। अंदर और भी और इक्विपमेंट है, फिल्टर लगे होते हैं उसमें, कैपेसिटर से उड़ा देते हैं सिग्नल को।